सैया भाजपा को दऊंगी। अब की बार वोट सैया भाजपा को दऊंगी, अब की बार वोट सैया भाजपा को दऊंगी। और भैया शिवराज से मैं 3000 लाऊंगी, अब की बार वोट सैया भाजपा को दऊंगी। एक हमारा मित्र बेचारा कांग्रेसी था, प्रचार करने जा रहा था, तो हमसे कहने लगा भैया कि हमारी पार्टी में आ जाओ। हमने कहा पहले अपनी घरवाई से पूछ लो, जब तुम्हारी घरवाई खुद नहीं मान रही तो हमें तुम क्या मनवाओगे। देखो बक्का बोली, अरे मैं भी वोट दूंगी सैया तुमसे भी दिलाऊंगी। अब की बार वोट सैया भाजपा को दऊंगी। देखो आप समझा रही बात, अरे ससुरा जी ना मानेंगे मैं समझाए लाऊंगी, अरे ससुरा जी ना मानेंगे मैं समझाए लाऊंगी। और सासू जी ना मानी घूंघटा खोल के लड़ूंगी। अब की बार वोट सैया भाजपा को दऊंगी। लाडली बहनों को पता है कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो हमारा भैया हमें 3000 रुपया देगा, और जब 3000 घर में आएंगे हर महीना तो हर महीना दीपावली मनाएंगे, बढ़िया साड़ी का जोड़ा लाएंगे, बढ़िया नाक की नथनिया, कमर की करधनिया, पांव की पैजनिया लेके आएंगे। आहा। जेठा जी ना मानेंगे मैं समझाए लाऊंगी, जेठा जी ना मानेंगे मैं समझाए लाऊंगी। और जेठानी ना, और जेठानी ना मानी नैना जोर के लड़ूंगी। अब की बार वोट सैया भाजपा को दऊंगी। पता है कि हमारे भैया शिवराज ने हमारी बेटियों का बीमा कराया, गरीब की बेटी का कन्यादान कराया और हमें भी लाडली बहना बना दिया। क्या बात है। तो कह रही और देवर जी ना मानेंगे मैं पुटियाए लाऊंगी। क्या बात है देवर जी।
हमार देवर जी ना मानेंगे मैं पुटियाए लाऊंगी। और देरानी ना मानी और देरानी ना मानी सीना ठोक के लड़ूंगी। अब की बार वोट सैना भाजपा को दऊंगी। पूरे घर से वोट डलाऊंगी, बोले रिश्तेदारों से भी डलवाऊंगी और अपने जीजा जी को फोन लगाऊंगी। कह रही लाड़ी बहना अरे नंदेव जी ना मानेंगे मैं पुटिया लाऊंगी। अरे नंदेव जी ना मानेंगे मैं पुटिया लाऊंगी। और नंदी जी ना ए नंदी जी ना मानी सीना ठोक के लड़ूंगी। अब की बार वोट सैया भाजपा को दऊंगी। लेकिन अब की बार वोट सैया भाजपा को दऊंगी। अब की बार वोट सैया भाजपा को दऊंगी। लीजिए अब आपकी